इंटेलेक्चुअल। भारत जैसे महान देश में मेरा जन्म हुआ, इस बात का मुझे गर्व है। भारत के विकास का अद्भुत है, कभी साफ सपेरों का देश कहा जाने वाला। मेरा भारत आज पूरी दुनिया को मास्क की क्लिक पर नचा रहा है। गूगल जैसी इंटरनेशनल कंपनी के श्रीनिवास सुंदर पिचाई नामक एक भारतीय है, इस बात को हमें गर्व होना चाहिए। जब अंग्रेजों को हमने यहाँ से भगाया, तब देश 500% प्रांतों में विभाजित था। इन 500% प्रांतों को ना बंदूक की धार से, ना गोलियों की बौछार से एक संध करने का कमाल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर दिखाया। इसीलिए सरदार पटेल नेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं पढ़ता हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। एक वक्त था जब हमारे जनता की भूख मिटाने के लिए हम दूसरे देशों से अनाज मंगवाते थे। आज अनाज के बारे में हम स्वर्णपुर तो है ही, साथ में दुनिया के सबसे बड़े फल निर्माता, दूध निर्माता, दाल और तेल निर्माता भी है। एक दौर था जब पोलियो जैसी भयानक बीमारी हमारे देश के भविष्य को अपाहिज बना रही थी। आजकल 2014 में पोलियो जैसी बीमारी को हमने जड़ से खत्म कर दिया। जितने पैसों में हॉलीवुड के एक फिल्म बनती है, उतने पैसों में हमने अपना यान मंगल ग्रह पर पहुंचा दिया। आज कई देश हमारी टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज रहे हैं। अभी अभी हमने चंद्रयान 2 का सफल उड़ान भी किया। आज हम विश्व में चौथी बड़ी अंतरिक्ष महाशक्ति बन चुके हैं। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना हमारे देश में है। भारत में आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। एक तरफ विश्व गुरु बनने की कगार पर मेरा हिंदुस्तान है, तो दूसरी तरफ आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा पाकिस्तान है। लेकिन आज पूरी और बालाकोट जिस स्ट्राइक से पूरा विश्व जान चुका है, ये नया हिंदुस्तान है। ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। सभी मेरे साथ बोलो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। नेक्स्ट।